हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ब्लाउज के ऊपर आई कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये जो आई पट्टी है, आई पट्टी के ऊपर हमें ये इस तरह से इसको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम बीच में आपको दिखाते हैं कि इसको आई कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी तरह से नीचे के साइड में हमने ये सुई में धागा लिया है। इस तरह से आपको धागे को इस तरह से करना है। ऐसे आपको 5-6 बार करना है, जैसे हम आय बनाते हैं। तो धागे को हमें डबल करना है, फिर उसके बाद इसी तरह से हमें 4-5 बार करते हैं। इस तरह से जैसे यहाँ पे हमने ये 4-5 बार इस तरह से हमने ये धागे को यहाँ पे स्टिच किया है। फिर उसके बाद धागे को इस तरह से लेना है और इसके बीच में से हमें सुई को निकालना है। ये देखिए, यहाँ पे बीच में से हमने सुई को निकाला है और इसे इस तरह से धागे को खींचते हैं। यहाँ पे भी हमें पूरे आई के ऊपर हमें इसी तरह से, जैसे हमने 5-6 बार जो धागा इस तरह से किया था, तो इसे हमें फिर से वापस यहाँ पे हम इस तरह से बनाते हैं ताकि ये हमारा आई जो है अच्छे से बन जाए। इसी तरह से आपको ये पूरे जितने हम हुक लगाते हैं उतने आपको आई जो है वो तैयार करने हैं। तो आप इस तरह से ये आई बना सकते हैं। इसको अच्छे से पक्का करना है, फिर इसको हम धागे को एक्स्ट्रा धागा जो है इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये आई जो है वो तैयार करके दिखाया है। इस तरह से आप ये हुक के लिए आई बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें जो है हुक जो है ये अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये आई कैसे बनाना है ब्लाउज़ के ऊपर, तो अब यहाँ पे एक बनाना है, इस यहाँ ऊपर के साइड में एक बनाना है और नीचे के साइड में एक बनाना है। फिर ये दोनों का सेंटर यहाँ पे एक बनाना है, फिर ये दोनों का सेंटर निकाल के यहाँ पे एक बनाना है। इस तरह से जैसे ये दोनों का सेंटर निकाल के यहाँ पे आपको ये बनाना है। इस तरह से आप ये पट्टी के ऊपर आई बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये आई कैसे बनाना है ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।